हाय, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ एज प्रॉमिस एक थ्रिलर हॉरर स्लैशर मूवी। यू आर नेक्स्ट, ये 2011 में रिलीज हुई मूवी है और बिलीव मी काफी मस्त मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है एडम विनगार्ड ने और इसका प्लॉट लिखा है साइमन बैरेट ने। मूवी के कास्ट है शानी विंसन, निकोलस टूसी, वेंडी ग्लेन, एजे बोविन, जो स्वैनबर्ग, बारबरा क्रैम्पटन और रॉब मोरान। सो मूवी शुरू होती है एक सुनसान रात से, जहाँ एक कपल अपने बड़े से बंगलों में मेकआउट कर रहे थे। उनके इंटीमेट मोमेंट के बाद लड़की जैज़ सॉन्ग प्ले करती है, लेकिन तभी बाहर उसे कुछ हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो देखने जाती है। अब ये शॉट इधर ही कट होता है और हम उसके पार्टनर को देखते हैं, जो शार्ले के बाहर आता है, लेकिन सामने कांच पे खून से लिखा हुआ था यू आर नेक्स्ट। ये जब देखने के वो नजदीक जाता है, तब उसे उसकी पार्टनर दिखाई देती है, जिसे बेरहमी से किसी ने मारा था। उतने में ही एक वुल्फ का मास्क पहने हुए किलर आता है और इसके सर पे भी बहुत बड़ा चाकू मार देता है। बैकग्राउंड में अभी भी जैज म्यूजिक प्ले हो रहा था। अब इसके एक दो दिन के बाद इस कपल के नेबर एंड्रू और पॉल अपने घर में आते हैं। उनका भी काफी बड़ा बंगलो था। एंड्रू और पॉल इनकी 35th वेडिंग एनिवर्सरी थी और उन्होंने अपने पूरे फैमिली को यहाँ पे इनवाइट किया था, जो कि अगले दिन आने वाले थे। अब यहाँ पे रात को एंड्रू जब घर साफ कर रही थी, तभी अचानक से उसे ऊपर किसी की आहट सुनाई देती है। वो काफी डर जाती है और पॉल को इमिडिएटली यहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन पॉल खुद अकेले ऊपर देखने जाता है और एंड्रू को वो बाहर रुकने कहता है। इसी दरमियान इनका एक बेटा क्रिस्पियन और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन आते हैं। यहाँ पे पॉल एक रूम खोलने ही वाला था, लेकिन तभी क्रिस्प वहाँ आता है और उसे नीचे लेके जाता है। वो ऐसा क्यों करता है, ये हमें प्लॉट में पता चलता है। रात को इनका डिनर होता है और सभी लोग सोने के लिए जाते हैं। एरिन पहली बार क्रिस्प के फैमिली को मिल रही थी और उसको उसके माता पिता काफी अच्छे लगते हैं और वो बाकी फैमिली से मिलने के लिए भी एक्साइटेड थी, लेकिन क्रिस्प उसे बाकी फैमिली मेंबर्स को मिलने से वॉर्न करता है। अब अगले दिन सुबह क्रिस्प का बड़ा भाई ड्रेक और उसकी पत्नी केली वहाँ पे आते हैं। ड्रेक और केली दोनों भी गॉसिपिंग में इंडियन आंटीज से कुछ कम नहीं थे। दूसरों को जज करना, उनको ताने मारना, उनका इंसल्ट करना, ये उनका पेशा ही था। इसी कारण से किसी भी भाई बहन से इनकी बनती नहीं थी। अब सेटल इन होने पर एरिन एंड्रू को कुछ हेल्प चाहिए क्या पूछती है, तो वो कहती है कि प्लीज जरा नेबर से मिल्क ले लो थोड़ा सा, और एरिन नेबर के घर जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डोर ओपन नहीं करता, जबकि म्यूजिक अभी भी प्ले हो रहा था। अब रात में बाकी के फैमिली मेंबर्स आते हैं, क्रिस का छोटा भाई फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जी और इनकी सबसे छोटी बहन एमी और उसका पार्टनर टेरिक। ऐसे तीन भाई और एक बहन और उनके पार्टनर्स आए हुए थे। इनकी गेट टुगेदर शुरू होती है और डिनर टेबल पे ड्रेक और केटी एरिक से उसे उसका प्रोफेशन पूछते हैं, तो वो कहता है कि वो डायरेक्टर है और अभी तक उसने एक दो छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है। इस पे ड्रेक और केली उसका इंसल्ट करने लगते हैं कि भाई आज के जमाने में कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों कर रहा है, जिसे सबका मूड खराब होता है। फिर ड्रेक की गाड़ी जाती है क्रिस पे, क्योंकि यहाँ पे दरअसल एरिन क्रिस की पहले स्टूडेंट थी। अब इसी बात पे ड्रेक उसका मजाक उड़ाने लगता है और डिनर टेबल पे ही इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन तभी एरिक को बाहर अंधेरे में वापस वैसे कुछ हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो खिड़की के नजदीक जाता है। लेकिन दोस्तों अचानक से एक क्रॉसबो आता है और सीधा उसके सर पे वो एरो लगता है और वो तड़प तड़प के मरने लगता है। उसे से गिरता हुआ देख के सबका ध्यान जब उसकी तरफ जाता है, अब सब लोग पैनिक होके चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और सडनली आसपास की कांच टूटने लगती है और वहां से लोग इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इसी में ड्रेक को एरो लग जाता है। ये सब लोग अपने बचने के लिए दरवाजे की तरफ जाने के लिए निकलते है, जहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं थी। एरिन 911 को कॉल करने जाती है, लेकिन किसी के भी मोबाइल में सिग्नल नहीं था, इनके मोबाइल के सिग्नल ब्लॉक कर दिए गए थे। तभी वो 911 को एक मैसेज ड्रॉप करके रखती है। इस पूरे सिचुएशन में जहाँ पे ड्रेक, पॉल और बाकी की औरतें काफी चिल्ला रही थी, पैनिक हो रही थी, लेकिन एरिन काफी समझदारी से काम कर रही थी, सबको शांत कर रही थी और बाकी सब पैनिक स्टेट में थे। काफी समय तक लोग सोचने लगते कि बाहर कैसे जाएं। तभी एमी डिसाइड करती है कि वो दौड़ के थोड़ा सा घर के बाहर चली जाएगी, ताकि उसका नेटवर्क आए और वो 911 को मैसेज भेज सके। एरिन और पॉल रेडी होते हैं और एमी काफी जोरों से भाग के घर के बाहर निकलती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, उसका गला कट हो जाता है, क्योंकि दरवाजे के बाहर वायर लगाया हुआ था। पूरा गला फट जाता है और बहुत बुरी तरीके से खून बहने लगता है। ये देख के एंड्रू अपने होश गवा देती है, क्योंकि उसकी बेटी ऐसे बुरी तरह गुजर गई थी। जोर जोर से वो रोने लगती है
उसे संभालने के लिए पॉल उसे ऊपर के बेडरूम में लेके जाता है। मीनवाइल एरिन घर की सारी खिड़कियां बंद करने के लिए जाती है, तो क्रिस उसे साइड में लेके पूछता है कि तुम इतनी काम कैसे हो, तुम्हें ऐसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो वो कहती है कि ये सिचुएशन भी यूनिक है और किसी को तो सोचना पड़ेगा कि यहां से बचे कैसे। और फिर वो किचन चली जाती है सारी खिड़कियां बंद करने के लिए। जाते वक्त उसे एक बहुत बड़ा चाकू मिलता है जो कि वो अपने हाथ में लेती है। यहां पे पॉल एंड्रू को बेड पे छोड़ के चला जाता है। वो बहुत जोरों जोरों से रो रही थी इस सिचुएशन पे। यहाँ किचन में एरिन जब खिड़की बंद करने जाती है तब अचानक से बाहर से कोई एक टाइगर का मास्क पहने हुए आदमी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एरिन के हाथ में एक चाकू था जिससे उस मास्क मैन के हाथ पे वो वार करती है। वो बहुत ही तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ पे एंड्रू के कमरे में बेड के नीचे से एक वुल्फ का मास्क पहने हुए आदमी बाहर आता है। उसे देख के एंड्रू बहुत डर जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है, और तभी वो मास्क मैन उसके चेहरे से वो चाकू आर पार करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। उसकी चीख से सब लोग ऊपर भागते हैं, तो एक बड़ा सा चाकू उसके चेहरे के आर पार था और दीवार पे लिखा हुआ था यू आर नेक्स्ट। सब लोग रोते हुए वापस नीचे आते हैं। आखिर में केटी वहां उस रूम में जाती है। वो काफी डर जाती है पूरा नजारा देख के, लेकिन उसे बेड के नीचे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए डरते हुए वो नीचे देखने जाती है। और तभी वो वुल्फ मास्क मैन उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो भाग के सीधा नीचे चली आती है। वो बताती है कि ऊपर वो अभी भी है। इसके पहले कि इसके ऊपर कोई हमला हो, वो सीधा घर से बाहर भाग जाती है। उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे ड्रेक भागता है, लेकिन उसके पीठ में अभी भी एरो लगा हुआ था जो उस वायर से लगता है, जिसके कारण वो उधर ही बेहोश हो जाता है। बाकी के लोग ड्रेक को उठा के उसे बेडरूम में रखते हैं। अब घर में पॉल, क्रिस, एरिन, फेलिक्स, जी ये लोग बचे हुए थे और वो वुल्फ मास्क मैन जो अभी भी बेडरूम में छुपा हुआ था। यहाँ पे क्रिस बाहर जाने का प्लान बनाता है कि वो एटलीस्ट रोड तक भागते हुए जाएगा ताकि उसका नेटवर्क आए और वो पुलिस को कॉल करेगा। एरिन ये सुनते ही मना करती है कि प्लीज मत जाओ बाहर, कितने लोग हैं हमें पता नहीं है, केटी बाहर भाग तो गई है लेकिन वो जिंदा भी है या नहीं पता नहीं। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता, उसे समझाता है और वो घर से निकल जाता है। अब उसका क्या होता है हमें नहीं पता चलता। तो दूसरे चकागे केटी भागते हुए नेबर के घर में पहुंच जाती है, जहां उसे उसका वही नेबर सोफे पे बैठा हुआ मिलता है। उसे लगता है कि वो जिंदा है, इसीलिए जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगती है कि प्लीज मुझे अंदर लो। लेकिन तभी वही टाइगर का मास्क पहने हुए आदमी पीछे से आता है और इसे अंदर ढकेल देता है। ये रोते हुए सोफे वाले आदमी से मदद मांगने जाती है, लेकिन जब उसका चेहरा देखती है तब काफी डर जाती है। तब तक ये किलर उसे खींच के नीचे डालता है और बड़ी सी कुल्हाड़ी लेके उसके चेहरे पे मारता है। यहाँ पे एरिन किचन से सबके लिए वेपन्स लाने जाती है, लेकिन तभी वही मास्क मैन जिसने केटी को मारा था वो सीधा खिड़की तोड़ के केटी की लाश अंदर डालता है। इस अचानक से हुए हमले से एरिन नीचे गिर जाती है और वो मास्क मैन खिड़की से अंदर आके उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी एरिन उसको ऐसे जगह मारती है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। और उतने में ही एरिन की साइड पे एक हैमर पड़ा था जिसे लेके वो उस मास्क मैन को काफी मारने लगती है। वो उसके सर पे इतने वार करती है कि उसका पूरा चेहरा स्मैश हो जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी मदद करने की बजाय फिलिप और जी बस चौंक के उसके तरफ देख रहे थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तभी पॉल ऊपर के कमरे में था और एक स्टोर रूम में वो जाता है, जहाँ पे उसे किलर के कुछ सामान पड़े मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो काफी टाइम से इसी रूम में रह रहा था और ये किलर इनके ऊपर नजर रखे हुए थे। जब पहली रात एंड्रू को घर में किसी की आहट सुनाई दी थी राइट, तो वो यही किलर था। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और वही वुल्फ का मास्क पहना हुआ किलर वहाँ पे आता है। वो उसको मारने ही वाला था लेकिन कोई लाइट ऑन कर देता है और सडनली वहाँ पे फिलिप और जी आते हैं। पॉल उन्हें बताता है कि ये सोची समझी साजिश है किसी की, कोई जानबूझ के हमारे फैमिली को टारगेट कर रहा है। और उतने में ही वो किलर पीछे से आता है और इन दोनों के सामने ही पॉल का गला काट देता है। और दोस्तों तभी रिवील होता है कि ये दोनों भी किलर से मिले हुए हैं। यहाँ पे टोटल 3 किलर थे, टॉम जो वुल्फ का मास्क पहने हुए था जो अभी पॉल को मारता है, दूसरा था क्रेग जो मंकी का मास्क पहने हुए था और घर के बाहर था, और तीसरा था डेव जो टाइगर का मास्क पहने हुए था जिसे एरिन ने मार दिया था। तभी इन तीनों किलर में से जो मंकी का मास्क पहने हुए किलर था वो घर के अंदर आ जाता है और उसे अपने भाई की लाश मिलती है, यानी जिसको एरिन ने मारा था। दरअसल ये तीनों किलर भी भाई थे।
अपने भाई को मरा हुआ देख वो काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है और एरिन को आसपास ढूंढने लगता है ताकि उसे वो मार डाले। लेकिन तभी ड्रेक को होश आ जाता है और वो अपने रूम से बाहर आता है। वो किलर ड्रेक को मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एरिन आ जाती है और उसके पीठ पे स्क्रू ड्राइवर डाल देती है। वो किलर काफी तड़पने लगता है और वहां से भाग जाता है बाहर। उतने में फिलिक्स और जी नीचे आते हैं। अब एरिक और ड्रेक इन दोनों को भी पता नहीं था कि ये लोग किलर से मिले हुए हैं। एरिक फिर उनको पॉल के बारे में पूछते कि पापा कैसे हैं, तो वो यही कहता है कि वो अभी आराम कर रहे हैं ऊपर। उसके बाद एरिक एक प्लान बनाती है। इस प्लान के अनुसार फिलिक्स और ड्रेक दोनों भी बेसमेंट में चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ हथियार थे वो लेने के लिए। और दूसरी जगह जी और एमिली दोनों भी नेल ट्रैप बनाने लगते हैं, यानी खील का एक ट्रैप बनाने लगते हैं। और तभी जी उससे पूछती है कि इस पूरे सिचुएशन को तुमने काफी अच्छे से संभाला, तुम एक किलर की तरह लोगों को मार रही हो, पीट रही हो, तुम जरा भी डरी नहीं हो, काफी अनयूजुअल बिहेवियर है तुम्हारा, ऐसे कैसे? तभी एरिन उसे बताती है दरअसल वो एक सर्वाइवर कैंप में पली बड़ी है, जहाँ लोगों को इमरजेंसी में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को कैसे मारना है, खुद की रक्षा कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए एमिली इतनी शार्प है और इस सिचुएशन में बिना पैनिक हुए वो सोच सकती है। यहाँ पे जी एमिली को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है। तो यहाँ पे बेसमेंट में फेलिक्स ड्रेक को केटी मर गई है इसकी न्यूज़ दे देता है। ड्रेक बहुत ही इमोशनल हो जाता है और ये मौका देख के वो अपने ही भाई के पेट में 4 से 5 नाइफ घुसा के उसे मार डालता है। यहाँ पे एरिन अपना ट्रैप तैयार करती है और सारे खिड़कियों के नीचे लगा के रखती है। जब वो ऊपर की खिड़की की तरफ जाती है तभी वहाँ पे उसे पॉल की लाश दिखाई देती है। वो भाग के नीचे ही आने वाली थी लेकिन तभी वो वुल्फ का मास्क पहने हुए आदमी इसके ऊपर हमला करता है, तो वो सीधा खिड़की से जंप मार के नीचे भाग जाती है घर के बाहर और उसी में उसके पैर को काफी चोट लगती है। जब वो जंगल की तरफ भागती है तभी मंकी का मास्क पहने हुए जो आदमी था जिसको इसी ने जख्मी किया था वो इसके पीछे आने लगता है, जिसे देख के वो वापस घर में आती है और जो बेसमेंट में जाने का रास्ता था वहाँ पे छुप के बैठ जाती है। वो किलर खिड़की से अंदर आता है लेकिन तभी पैर में वो कील लग जाने के कारण काफी जोरों जोरों से वो तड़पने लगता है। ये आवाज सुन के फिलिक्स जी और वुल्फ का मास्क पहने हुए जो किलर था वो तीनों भी नीचे आ जाते हैं। और तभी मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील होता है। पॉल और एंड्रू इनकी जायदाद काफी थी लेकिन जब तक वो मरते नहीं है उनकी जायदाद उनके बच्चों को नहीं मिलेगी, और बच्चों को भी मिली तो भी बंटवारे काफी होने वाले थे। इसीलिए फिलिक्स का ये प्लान था कि सबको मार डाल के सारी जायदाद अपने नाम पे ले। लेकिन अब यहाँ पे वो मास्क मैन फिलिक्स को ही मारने जाता है क्योंकि उसका भी एक भाई मर गया था, लेकिन फिलिक्स उसे डबल पैसे देने का प्रॉमिस करता है। अब यहाँ पे ये सारी बातें एरिन सुन लेती है लेकिन उतने में ही उसका फोन बजता है जो उसने टेक्स्ट भेजा था 911 को वो डिलीवर हुआ था, और इसी आवाज से सबको पता चल जाता है कि एरिन उधर ही छुपी हुई है। वुल्फमैन उसको मारने के लिए आता है लेकिन उसको ही ढकल के वो सीधा घर के बाहर दौड़ के चली जाती है। एरिन दूसरे रास्ते से बच के घर के बाहर भाग जाती है लेकिन पैर में काफी चोट आने के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी, इसीलिए दूसरे दरवाजे से वो वापस घर में ही आती है। उसको ढूंढते हुए मंकी का मास्क पहने हुए वो आदमी खिड़की से अंदर आता है लेकिन उतने में ही एरिन अपने हाथ में जो चाकू था वो सीधा उसके सर पे घुसा देती है और वो उधर ही गुजर जाता है। एरिन मेन डोर से अंदर आती है और वहाँ पे एक ट्रैप सेटअप करती है, जैसे ही कोई डोर खोलेगा वो एक्स सीधा उसके सर पे गिर के वो आदमी उधर ही मरेगा। इसके लिए थोड़ी देर के बाद किलर उसे ढूंढते हुए खिड़की से घर के अंदर आता है। एरिन बेसमेंट में छुपने के लिए जाती है और वहाँ के सारे बल्ब वो तोड़ देती है और आखिरी में खुद के पास जो कैमरा था वो सेटअप करती है और उसके फ्लैशलाइट वो ऑन करती है, जिससे किलर जब बेसमेंट में आता है तब काफी कंफ्यूज हो जाता है और एरिन मौका देख के उसे भी मार डालती है। वाओ दोस्तों, मूवी में इस टाइम पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है ना, रोंगटे खड़े करने वाला है। सीरियसली ऑसम मूवी है। एरिन काफी जख्मी हुई थी और बेसमेंट से वो ऊपर कैसे तैसे आती है लेकिन तभी फिलिक्स और जी उसके ऊपर हमला करते हैं। किचन में इन तीनों की बहुत फाइट होती है और इसी फाइट में उसके पीठ पे चाकू भी लगता है। अब खुद को बचाने के लिए एरिन सीधा एक ग्राइंडर उठाती है और फिलिक्स के सर पे मार देती है और वो मशीन चालू कर देती है, इसके कारण फिलिक्स के सर से पूरा खून आने लगता है और वो उधर ही मर जाता है। जी उसे जब मारने आती है तब एरिन अपनी पीठ का चाकू निकालती है और सीधा उसको मारती है, जिससे अब वो लोग मर जाते हैं। वो शांति से बैठी थी। अभी तक क्रिस का कोई अता पता नहीं है, वो जिंदा है मर गया किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अचानक से
फिलिक्स का सेलफोन बजने लगता है और ये चौंक जाती है कि अब तक एक भी सेलफोन चालू नहीं था, ये ऐसे कैसे हुआ। वो फोन रहता है क्रिस का, यानी इसके बॉयफ्रेंड का। वो चुपचाप फोन उठाती है और क्रिस दूसरे साइड से बोलता है कि फिलिक्स क्या हुआ, क्या सिचुएशन है, अंदर का माहौल सब क्लीन है, काम तमाम हुआ है ना सबका। अब ये सुन के इसके तो मतलब होश उड़ जाते हैं और वो घर के अंदर आता है और उसके सामने आती है एरिन। उसके हाथ में चाकू था। वो पूछता है कि फिलिक्स कहाँ है, तो वो कहती है कि मैंने उसे मार डाला क्योंकि वो मुझे मार रहा था। उसे समझ आता है कि इसने शायद सबको मार डाला होगा और वो उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम भी इन सब में शामिल हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मेन मूवी का प्लॉट सामने आता है। इस सब के पीछे मास्टरमाइंड था क्रिस। वो खुद कर्जे में डूबा हुआ था, करियर की बैंड बजी थी, आगे कुछ भी नहीं होने वाला था। वेयर एज फैमिली के पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन माता पिता जिंदा है तब तक कुछ हिस्सा मिलने नहीं वाला है। अगर वो मरने के बाद हिस्सा मिला भी तो भी वो चार लोगों में बटेगा और इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए वो फिलिक्स के साथ मिलके ये प्लान बनाता है। एरिन ये सब कुछ सुनने के बाद काफी रोने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि ये मुझे भी मरवाने वाला था। तो वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें एक्चुअली में मारने का कोई भी प्लान नहीं था, तुम्हें जिंदा रखना था क्योंकि कोई तो गवाह चाहिए था जिसका क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, जो पुलिस को गवाही दे सकता है कि यहाँ पे आसपास में जो भी लोग थे वो कल्ट के लोग थे जिन्होंने इस एरिया के काफी सारे लोगों को मार डाला था, और इसीलिए हमने नेबर को भी मार डाला है ताकि पुलिस को हम पे शक ना हो। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब तुम सेल्फ डिफेंस मोड में चली गई और बाकी सारे लोगों को बचाने लग गई और किलर को ही मारने लग गई, इसीलिए वो तुम्हें टारगेट करने लगे। अगर तुम इस सिचुएशन में नॉर्मल लड़की की तरह पेश आती तो तुम बच जाती। और वो उसे ब्राइब करने लगता है कि देखो अब जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाओ, हमारे हाथ में अभी करोड़ों की जायदाद आने वाली है, हम दोनों भी शादी करेंगे, हमारी भी फैमिली होगी और हम पेरिस में वेकेशन करेंगे, इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, कोई लोन नहीं होगा। लेकिन एरिन गुस्सा थी कि जो आदमी अपने पेरेंट्स को मार सकता है उसके सामने गर्लफ्रेंड क्या चीज है, और उसके हाथ में जो चाकू था उससे वो उसके गले में वार करती है और उसे भी मार डालती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि तब तक वहां पे पुलिस आ गई थी इसके 911 के टेक्स्ट के कारण, और वो एरिन को क्रिस को मारते हुए देखते हैं और वो सीधा एरिन को शूट करते हैं और वो उसके शोल्डर में गोली लगती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर बैकअप बुलाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और खिड़की से वापस देखने आता है तब एरिन उसे इशारे से कहती है कि अंदर मत आना, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो मेन डोर खोलता है, लेकिन जो ट्रैप इसने बनाया था उन किलर के लिए वो एक सीधा उस पुलिस के ऊपर पड़ती है और वो भी गुजर जाता है। और बस क्राइम पेट्रोल का ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। सावधान रहिए, सतर्क और चौकन्ना रहिए, जुर्म को देखे तो मुंह तोड़ जवाब दे। सो दोस्तों ये फिल्म रियली प्लॉट के साथ इतनी ज्यादा ट्विस्टेड है ना, मुझे तो काफी अच्छी लगी। काफी टाइम बाद मैंने इतनी मस्त मूवी देखी है। और सबसे बेस्ट मुझे दो चीजें लगी, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ऑसम है, उस सीन को काफी सूट करता है, और सेकंड ये एक्ट्रेस। अगर ये मूवी चली है तो इसी के कारण चली है, एक काफी ट्विस्ट डाल दिया है इसने। अगर कोई एक नॉर्मल एक्ट्रेस होती है, एवरेज एक्टिंग होती ना, तो ये मूवी शायद इतनी नहीं चलती। नॉर्मल होम इन्वेजन की मूवी है, बट इसके ट्विस्टेड स्टोरी एंड एक्ट्रेस के कारण ये मस्त ये मूवी चली है। अगर आप एरिन की जगह होते तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते मुझे बताइए, क्योंकि लेट्स से अगर वो क्रिस का ऑफर एक्सेप्ट भी करती ओके, तो भी यू नेवर नो, क्रिस बाद में जाके फंसा देता उसको कि इसी लड़की ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, या इवन दो वहां पे सही टाइम पे पुलिस नहीं आते और उसने क्रिस को भी मार डाला है राइट, और थोड़ी देर के बाद पुलिस आते तो भी वो अकेली बची थी उस पूरे मर्डर्स में, तो पुलिस का शक तो पहले उसी पे जाता कि इसी ने मारा है। आई डोंट नो बचने का कोई तरीका होता भी या नहीं। वेल, अगर आपको लगता है कि वो बच सकती थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।